हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार एंड टुडे माय टॉपिक इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का एक लेक्चर वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं और ये सेकेंड लेक्चर वीडियो में जो क्वेश्चन शेष बचा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर आधारित कंसेप्ट बताएंगे और उस कंसेप्ट के माध्यम से आप किसी भी राइटर का बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपसे सॉल्व होगा। अगर किसी तरह की समस्या रहेगा तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी अगर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक बिना रुकावट को पहुंच सके। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01 और वेयर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 4x² + 5x + 2। ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको चाहिए तो इसके लिए ध्यान देना है दो चीज़। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो समझिए। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, 4x² + 5x + 2। ये दिया हुआ है हमको, कितना का वैल्यू चाहिए, एफ 2.01। आ किस मेथड से, तो बाई कैलकुलस मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, दशमलव के पहले रहता है उसको x मानते हैं। तो दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है, 2। तो दशमलव के पहले 2 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 2 और दशमलव के बाद को डेल्टा x बोलते हैं। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दशमलव का बाद है 0.01, कितना लिखा हुआ है, 0.01। 0.01 के मतलब हो गया 0.01। तो x का वैल्यू हो गया 2 और डेल्टा x का वैल्यू हो गया 0.01 मतलब 0.01, इतना हो गया। अब समझिए कि हमको निकालना है f 2.01। तो सबसे पहले फार्मूला इसमें क्या अप्लाई होगा वो समझ लीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, बी नो डैट एफ एक्स प्लस डेल्टा x, क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा x बराबर फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ध्यान से देखिएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है तो हम लोगों को पास डेल्टा एक्स का वैल्यू पता चल गया, एफ एक्स का वैल्यू भी है और एफ डैश एक्स नहीं जानकारी है। तो एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो एफ एक्स दिया हुआ है 4x² + 5x + 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8x। आई 5x का डिफ्रेंशिएशन 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए हमको कितना का वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स जोड़ डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू मतलब इतना का वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स जोड़ डेल्टा एक्स, तो एक्स जोड़ डेल्टा एक्स कितना है, 2.01, ध्यान लिख देंगे 2.01। अब ध्यान से देखिए यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये वाला, तो क्या लिख देंगे यहाँ, 4x² + 5x + 2, ये लिख दिए। उसके बाद ध्यान देना है यहाँ कि क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, तो 8x + 5, तो 8x + 5 इंटू यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स रहने दीजिए। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, 4 × x, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2² + 5 × 2 और प्लस क्या लिख देंगे, 2 और प्लस 8 × x, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 और प्लस 5 और इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना, 0.01। अब ध्यान देना है यहाँ 4 × 2² = 4 प्लस 5 × 2 + 2 इधर कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और प्लस 5 × 0.01। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 आई 5 × 2 = 10 + 2 और इसको ऐड करेंगे तो 16 + 5 तो कितना आ जाएगा, 21 × 0.01। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 2 = 18 + 10 = 28 और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 0.21, है ना। तो 28 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.21। तो हम देखते हैं कि इस तरह से बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब वैल्यू एफ एक्स एक्स के रूप में दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ध्यान से देखिए, दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, x³ - 7x² + 15। हमको वैल्यू कितना का निकालना है, एफ 5.001 का वैल्यू बाई कैलकुलस मेथड। तो देखिए इसमें हम यह बताए हैं कि दशमलव के पहले जो रहता है उसको x मानते हैं, क्या मानते हैं, दशमलव के पहले वाला को x मानते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। दशमलव के पहले वाला को x मानते हैं तो x इक्वल टू 5 और दशमलव के बाद वाला का डेल्टा x मानते हैं तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.001, है ना। तो ये हो गया 0.001 और उसके बाद फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे बी नो डैट
वी नो डैट क्या एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यह फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए यहाँ ध्यान से, हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू मालूम हो गया और एफ एक्स का वैल्यू मालूम है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का वैल्यू नहीं जानकारी है, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो यहाँ से एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स, सात दुना कितना हो जाएगा चौदह एक्स, और ये पंद्रह कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। अब इसमें रखेंगे तो कितना का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एफ 5.00 हुआ, अब बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस पंद्रह, अजोर एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चौदह एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 0.001। अब एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है फाइव, तो यहाँ लिख देंगे फाइव का क्यूब माइनस सेवन इंटू एक्स की जगह फाइव का स्क्वायर और प्लस पंद्रह, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर माइनस फोर्टीन इंटू फाइव इंटू 0.001, तो क्या आ जाएगा फाइव का क्यूब 125, फाइव का स्क्वायर दो पच्चीस, पच्चीस में सात से गुना कीजिए, सात पच्चीस पैंतीस, सात दिन चौदह और तीन सत्रह, बात समझे ना, और ये पंद्रह। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस सत्तर एक सौ सात, पच्चीस पैंतीस के पाँच हासिल, तीन सात दिन चौदह और तीन सत्रह, ठीक है, और इसको कीजिएगा तो पाँच के स्क्वायर पच्चीस दिए पचहत्तर और चौदह पच्चीस सत्तर इंटू 0.001, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में से इतना घटाइएगा तो क्या बचेगा, 125 में से 75 घटाइएगा माइनस 50 माइनस माइनस 25 बचेगा यहाँ, है ना, पाँच में से पाँच घटेगा जीरो और सेवन में से टू घटेगा फाइव माइनस 50 और जोर 15, इधर क्या बचेगा 70 में 75 में से पाँच 70 घटाइएगा फाइव इंटू 0.01। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा माइनस पैंतीस, पाँच पाँच दस और तीन एक चार, पैंतीस बचेगा, इसको इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा 0.005, और इसको घटाइएगा तो ऐसे घटा लीजिए 35.000 और यहाँ लिख देंगे 0.005, घटाइए घटाइएगा तो कितना बचेगा 5, ये 9, ये 9 और ये 4, ये 2, तो कितना जाएगा माइनस 2.24.995। तो यहाँ कितना आएगा, ये फाइव तो ये फोर हो गया, ये थ्री का थ्री, तो यहाँ आएगा कितना माइनस 34.995। बस चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें और क्वेश्चन क्या दिया है, इतना अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन का 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन निकालना है, इसका मतलब डी वी बराबर डॉट डॉट, मतलब यही निकालना है डी वी। आगे कह रहा है ऑफ ए क्यूब, मतलब चर्चा है एक क्यूब का, क्या चीज़ का चर्चा है क्यूब का, हाँ समझे ना, यही क्यूब हो गया, क्यूब का चर्चा है, तो क्यूब का चर्चा है तो यहाँ लिख देते हैं फॉर क्यूब, मतलब ये सभी वर्क कर रहे हैं हम क्यूब में। ऑफ साइड एक्स मीटर, मतलब साइड दे रखा है एक्स मीटर, तो साइड लिख दिए यहाँ एक्स मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%, मतलब साइड एक्स है और उसमें इंक्रीजिंग कहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज उसको डेल लगा कर लिखते थे, डेल एक्स, तो डेल एक्स बराबर कितना परसेंट कह रहा है, 1%, मतलब 1% ऑफ साइड, 1% ऑफ साइड, तो 1% हटेगा बटे 100, परसेंट हटेगा बटे 100 यहाँ इंटू क्यूब, साइड साइड दिया होगा तो साइड कितना दिया होगा एक्स, एक्स ले दी, इसको गुना कीजिएगा तो एक्स बाई 100 मीटर। अब हमको डी वी निकालना है तो हम लोग जानते हैं बी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यू बराबर होता है फार्मूला साइड क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है साइड क्यू, तो यहाँ लिख देंगे भी इक्वल टू साइड, साइड क्या है एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यह डी वी लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वी बाई
डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला लिख देंगे डी वी के लिए, यहाँ लिख देंगे बी नो डैट है ना, और डी वी बराबर फार्मूला होता है डी वी हो या डी ए हो तो सेम टाइप से लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स है ना, और डेल वी बाई डेल एक्स डी वी बाई डी एक्स को ही कहते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू और डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना आया है एक्स बाई हंड्रेड, तो ये लिख दिए, तो ये टोटल कितना हो गया थ्री बाई हंड्रेड और एक्स के पावर दो और प्लस वन, तो कितना हो जाएगा थ्री, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो दशमलव दो अंक बाद देंगे दो सुनना है, तो लिख देंगे थ्री जीरो अपॉइंट यहाँ जीरो और एक्स क्यू और यहाँ लिख देंगे मीटर क्यू, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे वो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझिए और क्या निकालना है वो समझिए तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया में हमको चेंजेबल निकालना है, यानी डी ए बराबर डॉट डॉट, बात समझे ना, चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब यही हुआ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब यही डी ए इक्वल टू डॉट डॉट ऑफ ए क्यूब, माने सब चर्चा हो रहा है क्यूब में, फॉर ए क्यूब मतलब ये जो भी घटना हो रहा है सब क्या चीज़ में हो रहा है क्यूब में हो रहा है, बात समझे ना, तो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में साइड क्यूब का कितना दिया हुआ x मीटर, तो लिख देंगे साइड इक्वल टू x मीटर, और उसके बाद दे रहा है कॉस्ड बाई डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%, मतलब डेल x बराबर 1% डिक्रीज कर रहा है 1%, तो 1% डिक्रीज, तो इंक्रीज तो प्लस में लिखते हैं डिक्रीज तो माइनस में लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे माइनस 1% ऑफ साइड, माइनस 1% ऑफ साइड। अब देखिए यहाँ डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1% हटेगा बटे 100 इन टू और साइड कितना दिया हुआ है एक्स, कितना हो जाएगा डेल एक्स बराबर माइनस एक्स बटे 100। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए निकालना है डी ए निकालना है, तो सबसे पहले एरिया बराबर फार्मूला लगा दीजिए यहाँ, तो क्या होता है फार्मूला बी नो डैट डी ए इक्वल टू मतलब एरिया ऑफ क्यूब, तो एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, तो एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है सिक्स इंटू साइड स्क्वायर, सिक्स इंटू क्या होता है साइड स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू सिक्स साइड क्या दिया है एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो क्या हो गया डी ए बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हुआ, ये कितना हो जाएगा छः दुना 12x। अब हम फार्मूला जानते हैं, चूँकि डी ए निकालना है हमको, तो लिख देंगे बी नो डैट है ना, और क्या लिख देंगे यहाँ बी नो डैट डी ए इक्वल टू क्या फार्मूला डेबा ए बाई डेल ए बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स है ना, तो यहाँ लिख देंगे डी ए इक्वल टू डेल ए बाई डेल एक्स डेल ए बाई डेल एक्स, उसी को डी ए बाई डी एक्स भी बोलते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ 12x इंटू और डेल एक्स, तो डेल एक्स, तो डेल एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस एक्स बाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी ए इक्वल टू माइनस 12 एक्स स्क्वायर बाई 100, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डी ए इक्वल टू दो जीरो है तो दो अंक बाद दशमलव देंगे तो 12.0 और यहाँ आगे क्या लगा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब चर्चा क्या है स्फीयर का, चर्चा है क्या चीज़ का स्फीयर का, कैसा फिगर का स्फीयर का, तो स्फीयर तो लिख देंगे फॉर स्फीयर, स्फीयर में क्या होता है ध्यान दीजिएगा फॉर स्फीयर क्या लिखा हुआ है इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, मतलब रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है, आर इक्वल टू 7 मीटर आगे कह रहा है और इसमें एरर कितना है इतना, तो इसको डेल बोलेंगे, तो डेल आर इक्वल टू कितना हो गया 0.02 मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना एरर होगा वो पूछ रहा है, तो डी वी इक्वल टू डॉट डॉट। अब लिख देंगे आप फॉर्मूला वी नो डैट क्या चीज, तो वॉल्यूम ऑफ मतलब स्फीयर, तो
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर की। अब यहाँ भी लिख देंगे भी इक्वल टू 4/3 पाई आर की, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के सापेक्ष, तो dv बाई dx इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यू का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, r एक कम तो आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dr/dx, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, इतना आ गया। अब देखिए हम बताते हैं, तो देखिए यहाँ ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं या रेडियस है, तो रेडियस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ r हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आई और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4πr2। और अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे b नो डेट क्या जानते हैं हम लोग, तो dv इक्वल टू क्या लिखते हैं, dv/dr के सापेक्ष कर दिए इंटू dr, चूँकि dr लिखा हुआ है इसीलिए r के सापेक्ष किए, अगर x लिखते थे यहाँ x के सापेक्ष करते, बात समझे ना। तो यहाँ डेल्टा r हो गया। अब वैल्यू रखिए इसका dv/dr, तो कितना निकला है 4πr2 इंटू डेल आर, तो डेल आर कितना निकला है 0.02। अब लिख देंगे 4 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, तार का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 7 इंटू 0.02, कैंसिल कराइए इसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 8 × 4 × 8 इंटू 7 इंटू 0.02। अब ये 7 से गुणा कीजिए, 8 × 7 = 56, 6 × 5 = 5, 8 × 7 = 56, 56 और 5 कितना आ जाएगा 56 + 5 = 61 इंटू 0.02, है ना। और इसको 2 से गुना कीजिएगा, तो 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 1, 3 × 6 = 12, 10 का जवाब है 1 × 2, तो यही कहलाएगा उसका आंसर, कहलाएगा मीटर क्यों लिख देंगे, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये भी आंसर सही है, अगर पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो यहाँ देखिए किस तरह से बनेगा, से इसको लिख देंगे 4π और r का वैल्यू, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, आई स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 7 × 7 इंटू आई ए कितना, तो 0.02। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4π 7² 49 इंटू 0.02। इसको गुणा कीजिए 49 में 4 × 2 = 8 से कर दीजिए, 8 से कीजिएगा 9 × 78 = 2 × 7 और 8 × 4 = 32, 32 × 7 कितना हो जाएगा 32 × 7 = 39, तो कितना आ गया 392। 10 कितना के बाद है 1 × 1 = 2, यहाँ 2 देते हैं। और क्या लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकल रहा है चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ लिख देंगे मीटर क्यूब। तो ये भी आंसर हुआ, मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। अगर पाई का वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा, अब पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पाई छूट गया है, मतलब 3.292 अब पाई और मीटर की, यही आंसर हो जाएगा, मतलब पाई के फॉर्म में इतना होगा, अब पाई का वैल्यू रख देंगे तो इतना आएगा, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो लिखेंगे, क्या पूछ रहा है सो लिखेंगे, और साथ ही साथ इतना करने पर आप श्योर क्वेश्चन का 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, फिर चर्चा क्या चीज़ का हुआ, स्फीयर का, स्फीयर के चर्चा हुआ है ना। सबसे पहले स्फीयर बना लिए, ये हो गया स्फीयर, यहाँ ले देंगे फॉर स्फीयर, चर्चा हो रहा है स्फीयर में, फॉर स्फीयर। अब ध्यान देना है रेडियस के बारे में बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है r = 9 मीटर विथ एरर, तो एरर को डेल्टा लगा कर लिखते हैं, तो रेडियस में एरर दिया हुआ है, तो रेडियस में एरर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे δr = 0.03 मीटर। करा देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, अच्छी में निकालना है सरफेस एरिया में, मतलब dA = ……, और समझे ना। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग फार्मूला, बी नो डेट एरिया ऑफ
स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला आता है, 4πr² एरिया ऑफ स्फीयर का, तो यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 4πr², r के साथ एक डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या लिख देंगे dA/dr, तो क्या आ जाएगा 4π कॉन्स्टेंट r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, तो हो जाएगा dA/dr इक्वल टू 8πr। अब लिख देंगे यहाँ हम लोग कि बी नो डैट है ना, बी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, तो dA बराबर क्या फार्मूला, डेल ए बाई डेल आर इंटू डेल्टा आर, याद रखिएगा dA बराबर क्या फार्मूला, डेल ए बाई डेल आर इंटू डेल्टा आर, dA बाई डे डेल ए बाई डेल आर को ही बोलते हैं dA बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो गया 8πr इंटू डेल आर, तो डेल आर कितना 0.03, अब 8π इंटू आर, आर का वैल्यू 9 इंटू 0.03, तो ऐसे कीजिए इसको, इसको गुना कर दीजिए 9 × 27 में 8 से 856 के 6 हासिल 5, 8 × 16 16 × 5 21 216, लेकिन दशमलव का अंक बाद एक अंक दो, यहाँ दे देंगे लिख देंगे मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x² + 15x + 5, वो कितना का वैल्यू निकलना है f 3.02, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब दशमलव के पहले वाला को x बोलते हैं तो x इक्वल टू 3 हो गया, इसको डेल्टा x बोलते हैं तो डेल्टा x इक्वल टू 0.02, मतलब 0.02, कोई डाउट नहीं। और फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए बी नो डैट, ध्यान दीजिएगा बी नो डैट क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, तो हमको एफ एक्स तो जानकारी है, डेल्टा एक्स जानकारी है, लेकिन एफ डैस एक्स जानकारी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एफ डैस एक्स, तो यहाँ से कीजिएगा तो एफ डैस एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 3 × 6 × 15, और कितना का वैल्यू निकालना है, तो इतना का निकालना है, तो एफ एक्स जो डेल्टा एक्स कितना है 3.02, और एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3x² + 5 15x + 5 प्लस एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना निकला है, एफ डैश एक्स कितना निकला है, तो 6x + 15 है ना इंटू डेल्टा एक्स, अब वैल्यू रखिए 3 × x, तो एक्स का वैल्यू 3 × 5² + 15 × 3 + 5 + 6 × 3 = 15 × Δx 0.02, है ना, तो 3 × 9 9 × 27, आइए 15 × 3 = 45 × 5, अब क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा 36 18 + 15 × 0.02, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए 5 × 5 = 10 7 × 17 = 7 हासिल 1 4 × 2 = 6 हासिल 1 7, अजो 18 और 15 को जोड़िएगा 8 × 5 = 13 1 × 2 = 33 × 0.02, तो ये हो जाएगा 77.33 × 66, है ना, यहाँ पॉइंट हो जाएगा दशमलव दो अंक बाद, और इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो 77 में 0 जोड़ेंगे तो 77.66, तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये डी, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में क्या कीजिए कि पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इतना क्वेश्चन में कीजिएगा तो लगभग क्वेश्चन का मतलब आधा से अधिक हिस्सा आपको उसी समय सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको पहले ये इतना काम करना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से क्या कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, चर्चा क्या चीज़ का हुआ, चर्चा क्या चीज़ का हुआ, क्यूब का, तो यहाँ क्यूब बना ले दीजिए, क्यूब बन गया है ना, क्यूब यहाँ लिख देंगे फॉर क्यूब, और क्या लिखा है क्यूब ऑफ साइड x मीटर, मतलब साइड दे रखा है,
किनारा दे रखा है x मीटर, और कॉस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड, मतलब साइड इतना बढ़ रहा है, इसको डेल x बोलेंगे, मतलब साइड में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे डेल x इक्वल टू 3%, 3% ऑफ साइड, तो लिख देंगे 3% हटेगा, परसेंट हटेगा बटे 100, तो बटे 100 लिख दिए इनटू साइड, तो साइड है x, इसका क्या अर्थ हुआ 3x/100, है ना। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में निकालना है, यानी dv बराबर डॉट डॉट। सबसे पहले क्या कर देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे v नो डेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड SID साइड क्यूब, और वॉल्यूम का भी लिख देंगे, साइड का क्या लिख देंगे, साइड का x क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dv by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बगल में x लिख देंगे कम, 3x² ना, समझे ना। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ v नो डेट dv बराबर क्या फार्मूला, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स के मतलब dv बाई डी एक्स कितना आया, 3x², तो यहाँ लिख देंगे 3x² इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना आया, डेल एक्स है 3x/100, तो 3x/100, अब इसको गुना करेंगे तो 9/3 / 9/100 x³³, इसको भाग देंगे तो 2 सुनना है, तो 2 अंक बाद, तो 1.2 और एक्स क्यूब, यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, तो यही आंसर होगा। अब बताइए मैच किससे करना है, 0.09, तो 0.09 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से यह चैप्टर का जितना कंसेप्ट था वो कंसेप्ट दिए हम, और यह क्वेश्चन को रिकवर किए NCERT का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर किसी तरह का आपको सुझाव है तो आप स्पेशलिस्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का समस्या को दूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।